मैं कमल सिंह, सीएलसी मैथ्स फैकल्टी। तो 9 जनवरी सुबह का 2020 का जेईई मेन का पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें, इफ द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर्स विद द डिस्टिंक्ट डिजिट्स एंड 2 एट द 10th प्लेस इज 336 के, देन के इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन में हमारे को क्या है, 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है जिसमें 10th प्लेस पे डिजिट जो आ रहा है वो 2 रहेगा। तो जो डिजिट 2 है वो 10th प्लेस पे आ रहा है, तो ये हमारे पास में 2 को हमने 10th प्लेस पे रख दिया। बाकी के जो डिजिट्स हैं तो वो सारे के सारे डिफरेंट है, तो फर्स्ट प्लेस पे अपने 0 नहीं आएगा, बिकॉज सो फॉर द 5 डिजिट नंबर सो फर्स्ट प्लेस मस्ट नॉट बी ऑक्यूपाइड बाई 0। तो पहले प्लेस पे अपने 0 नहीं आना चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप। पहले स्थान को कितने तरीके से भरा जा सकता है, 8 तरीके से, क्योंकि सभी डिजिट्स क्या डिफरेंट है। तो अब 7 डिजिट रह गए, तो 7 डिजिट में हम क्या 0 को इंक्लूड कर लेंगे, तो फिर 8 दूसरा फिर कितने तरीके से होगा, 8 तरीके से। तो सेकंड प्लेस को 8 तरीके से, फिर 2 डिजिट्स हमने यहाँ रख दिया तो बाकी रह गए 7, अब तो 7 ये 7 तरीके से हो जाएगा। तो ये 10th प्लेस 1 वे से होगा, तो इनटू में 1 इनटू में, तो लास्ट प्लेस है आपके पास में 6 तरीके बच गए, तो इसको 6 वे से, तो दिस विल बी इक्वल टू, इनका सबका प्रोडक्ट करते हैं तो 2688, और ये आपका किसके बराबर आएगा, 336 × 8। तो के की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई यहाँ पे, 8। तो आवर करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट वन, फॉर सम अल्फा एंड बीटा इन आर द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग 3 प्लेन्स, सो दीज आर द 3 प्लेन्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट ए वन लाइन। ये तीनों समतल क्या है, एक ही रेखा पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमें क्या है, उस रेखा का एक समीकरण ज्ञात करेंगे जो तीनों समतल में विद्यमान है। तो पहले अपने क्या उस रेखा के दिक्कनुपात निकाल लेते हैं, तो उसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। हम उसके दिक्कनुपात क्या मान लेते हैं, ए बी सी। तो पहले दो जो समतल हैं उनका जो नॉर्मल होगा उस रेखा के क्या होगा, लंबवत होगा। तो हमारे पास में क्या कंडीशन आती है, ए प्लस 4 बी माइनस 2 सी इज इक्वल टू 0। सो ए प्लस 7 बी माइनस 5 सी इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में ए अपॉन सो माइनस 20 प्लस 40 माइनस 6 हियर, बी इज इक्वल टू बी अपॉन, तो बी में हमारे पास में क्या आएगा, तो यहाँ पे प्लस 5 एंड 2 माइनस दिस इज प्लस 3 इज इक्वल टू सी अपॉन, तो सी अपॉन 3। सो डी आर ऑफ लाइन माइनस 2 1 1। अब वो लाइन क्या, तीनों समतल में विद्यमान है, तो तीसरे समतल का जो अभिलंब होगा, जो नॉर्मल होगा, वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो इससे अपने क्या है, तो लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है और इस प्लेन के नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियो, दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास में सम किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो माइनस टू प्लस 5 एंड प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास में माइनस 3 आ गई, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3। अल्फा की वैल्यू माइनस 3 आ गई, तो अल्फा की वैल्यू इसमें जब आप डालेंगे तो थर्ड प्लेन विल बी, तो तीसरा जो प्लेन हमारे पास में किस फॉर्म का बन गया, एक्स प्लस 5 वाई माइनस 3 जेड इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट प्लेन हमने निकाला है और जो पहला प्लेन है, इन पे क्या एक पॉइंट निकाल लेते हैं, मतलब ये उस लाइन पे हमें एक पॉइंट निकालना है। अब तो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या, जेड इज इक्वल टू 0 रख देते हैं पहले प्लेन में और इसमें लास्ट प्लेन में। तो ये जो हमने निकाला जो अभी, तो जेड इज इक्वल टू 0 इसमें रखा, तो एक्स प्लस 5 वाई इज इक्वल टू
5 and first plane x plus 4y is equal to 1. जब दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो y is equal to हमारे पास में क्या आ रहा है 4, y is equal to 4. तो y की वैल्यू इसमें जब डालेंगे 4 तो x की वैल्यू हमारे पास में -15 आ जाएगी, x is equal to -15. अब पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट क्या बन गया, -15 4 कोमा 0, ये पॉइंट है. ये पॉइंट आपका क्या है, क्योंकि लाइन तीनों प्लेन में है तो ये पॉइंट आपका सेकंड प्लेन में भी लाई करेगा. तो सेकंड प्लेन में जब लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से हमें क्या बीटा की वैल्यू मिल जाएगी. तो -15 प्लस 28 इज इक्वल टू बीटा. सो बीटा वी हैव 13, सो बीटा इज 13. सो अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम करेंगे तो दोनों की वैल्यूज का, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बी जस्ट वी हैव फाउंड हियर अल्फा इज इक्वल टू -3, तो दोनों का सम कितना आया 10. सो आवर करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन. सो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2D का क्वेश्चन है. तो एलिप्स हाइपरबोला का है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. तो इसमें दिया हुआ है कि इफ E1 एंड E2 आर द एसेंट्रिसिटीज ऑफ द एलिप्स एंड हाइपरबोला x²/9 - y²/4 इज इक्वल टू 1 रिस्पेक्टिवली. तो E1 और E2 क्या है, एलिप्स की और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी दे रखी है हमें, और फिर वो एसेंट्रिसिटी से जो पॉइंट बनता है E1 E2 वो इस कर्व को सेटिस्फाई करता है. तो के की वैल्यू हमें पूछी है, तो हम क्या है एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं किसकी, एलिप्स की. तो एलिप्स की एसेंट्रिसिटी हमारे पास में क्या आएगी, अंडरूट में 1 - 4/18. सो दैट इज अंडरूट 14/18. तो ये एलिप्स की एसेंट्रिसिटी आ गई. तो इसी प्रकार से हम हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं. तो वो आपके पास में हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी 1 + 4/9, तो ये आपके पास में अंडरूट 13/9. अब ये जो पॉइंट है हमारे पास में, सो अंडरूट 14/18 अंडरूट 13/9, ये पॉइंट बन गया आपके पास में. ये किस पे लाई कर रहा है, इस कर्व पे लाई कर रहा है. वो पॉइंट इसको जब सेटिस्फाई करेगा तो इसमें रखेंगे हम, तो 15 × 14/18 प्लस 3 × 13/9 इक्वल टू के. तो इसको जब सिंप्लीफाई आगे फिर कर लेते हैं हम थोड़ा सा. तो इसमें आपके पास में जैसे देखो ये तो 7 और 9. सो इधर फिर आगे और सिंप्लीफाई हो सकता है. सो 3 और ये 5 और ये 3, क्लियर है. सो अब अपने पास में ये, सो यहाँ पे 35 प्लस 13, तो यहाँ से अपने पास में k की वैल्यू जो 16 आ जाएगी. सो k इज़ हेयर 16, तो k की वैल्यू हमें 16 मिल गई. सो आवर करेक्ट आंसर इज सेकंड वन. सो नेक्स्ट वन, स्फेरिकल आयरन बॉल ऑफ 10 cm, ये कैलकुलस का क्वेश्चन है. तो इसमें स्फेरिकल आयरन बॉल ऑफ द 10 cm रेडियस इज कोटेड बी द लेयर ऑफ द आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस दैट मेल्ट्स एट ए रेट ऑफ द 50 cm³/min. तो व्हेन द थिकनेस ऑफ द आइस इज 5 cm, सो देन द रेट एट विच द थिकनेस ऑफ द आइस डिक्रीजेस. तो सिंपल क्वेश्चन है. तो पहले अपने क्या वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो हम इसमें क्या वॉल्यूम फाइंड करेंगे आइस का. सो वॉल्यूम ऑफ द आइस विच इज कोटिंग द आयरन बॉल ऑफ रेडियस 10 cm. तो वो क्या है, जो आइस का जो कोट हुआ है उसकी हम क्या वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, उसका वॉल्यूम कितना है. तो वॉल्यूम ऑफ आइस सो वी 4/3 π r + 10³. आर हमने रेडियस ले लिया, सो लेट आर बी द रेडियस ऑफ द आयरन बॉल विद आइस
व्हेन इट जस्ट स्टार्ट्स मेल्टिंग, जब ये क्या पिघलना शुरू करता है, उस समय हमने इसका रेडियस क्या मान लिया, आर सपोज कर लिया, तो माइनस वॉल्यूम ऑफ द आयरन बॉल 10 क्यूब. तो सिंपल हमें क्या है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर. तो डी आर अपॉन डी टी, तो हमें क्या है, डी आर अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है. डी आर अपॉन डी टी विल गिव यू द रेट ऑफ डिक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द आइस. सो डी वी अपॉन डी टी, सो डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, सो 4/3 पाई इंटू 3 आर प्लस 10 होल स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी. सो एज द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, सो वी टेक इट एज ए नेगेटिव. सो हेयर द रेट ऑफ डिक्रीजिंग, सो वॉल्यूम ऑफ द आइस इज डिक्रीजिंग एट वॉट रेट, 50 cm³/min. तो जो आइस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, तो किस तरीके से मेल्ट हो रही है, कितने किस रेट पे वो मेल्ट हो रही है, 50 cm³/min. तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो -50. सो दिस 3, सो 4 पाई. नाउ द थिकनेस ऑफ आइस व्हेन इट जस्ट स्टार्ट मेल्टिंग, इस आइस की थिकनेस कितनी है जब ये पिघलना शुरू करती है, तो 5 है. तो इनिशियल जो है वो 5 यहाँ रखेंगे तो हम क्या आएगा हमारे पास में, 2 to 5. सो डी आर अपॉन डी टी, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो डी आर अपॉन डी टी हमारे पास में माइनस डी आर अपॉन डी टी माइनस 1/18 π/cm/s. तो इस रेट पे क्या है हमारी वो आइस क्या है, थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीजेस. सो दिस इज द रेट एट विच द थिकनेस ऑफ द आइस डिक्रीजेस. तो ये हमारे पास में वो थिकनेस आ गई, तो मतलब जिस पे वो डिक्रीज कर रहे हैं वो रेट. तो आंसर इज फर्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट. सो सिंपल क्वेश्चन, तो लॉजिक मैथमेटिक्स का, सो रीजनिंग का मतलब है. सो अंडरूट 5 इज एन इंटीजर और 5 इज एन इरेशनल. सो तो गिवन स्टेटमेंट इज हियर, सो पी और क्यू. सो लेट पी बी द स्टेटमेंट रूट 5 इज एन इंटीजर एंड क्यू इज द स्टेटमेंट 5 इज इरेशनल. तो हमारे पास में पी क्या है, अंडरूट 5 एक क्या पूर्णांक है, या क्यू एक अपरिमेय संख्या है. तो इसका नेगेशन पूछा है, तो इसका नेगेशन हमारे पास में क्या आएगा, पी और क्यू, नेगेशन ऑफ पी और क्यू. तो हमारे पास में ये क्या रहेगा, डी मॉर्गन लॉ से, तो नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू. अब इसको हम क्या है वर्ड में एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो इसका वर्ड में एक्सप्रेस करोगे तो क्या बनेगा आपके पास में, रूट 5 इज नॉट एन इंटीजर, रूट 5 इज नॉट एन इंटीजर. तो क्या है, अंडरूट 5 क्या है, एक पूर्णांक नहीं है, तथा एंड क्यू एक परिमेय संख्या है, एंड क्यू इज एन नॉट रेशन इरेशनल, और ये ऐसा भी हो सकता है क्यू इज ए रेशनल नंबर. तो क्यू इज नॉट ए इरेशनल नंबर, सो एंड लगा होना चाहिए बीच में. तो अकॉर्डिंग टू दिस, तो करेक्ट ऑप्शन इज 4th one. दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द LM-20. क्लियर है. सो लेट एफ वी एनी फंक्शन कंटिन्यूस ऑन दिस क्लोज इंटरवेल ए बी एंड ट्वाइस डिफरेंशियबल ऑन ए बी. सो इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, सो एंड एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, देन फॉर एनी सी बिलोंग्स टू ए बी, सो यू हैव टू फाइंड आउट, हमें ये बताना है कि भी एफ सी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ सी इज ग्रेटर देन किस से बड़ा है, किस वैल्यू से बड़ा है. तो हमारे को एक कंडीशन दी हुई है, इसमें क्या कंडीशन दी हुई है, देखो एफ डैश एक्स क्या हमेशा पॉजिटिव रहता है, ग्रेटर देन 0 है, और इसमें एफ डबल डैश एक्स क्या है, लेस देन 0 है. तो एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, दिस इंप्लाइज अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, तो हमें यह बताता है कि एफ डैश एक्स एक इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो अब अपने यहां पे सी बिलोंग्स टू, इसमें दे रखा है सी बिलोंग्स टू ए बी, तो हम दो पॉइंट ले लेते हैं, इसको क्या इस
इंटरवल को, ओपन इंटरवल को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. तो पहले हम क्या है, जैसे लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू सी. तो ये किसको देखते हुए, थोड़ा सा आप इसको देखें जो इसमें प्रूव करना है, मतलब जिसकी वैल्यू हमें ग्रेटर शो करनी है, भी किससे ग्रेटर है, तो उसको अपने देखते हुए इसके इंटरवल को ब्रेक कर लिया. तो अल्फा बिलोंग्स टू ए टू सी, तो बाई एल एम वी टी, बाई एल एम वी टी. तो एल एम वी टी से यूज़ करेंगे तो इसमें क्या आएगा, एफ सी माइनस एफ ए अपॉन सी माइनस ए. सो दिस विल बी इक्वल टू एफ डैश अल्फा. क्लियर. तो सिमिलरली तो इसमें अगेन बीटा लेट कर लेते हैं, बीटा बिलोंग्स टू सी टू बी. सो बीटा मैंने इस इंटरवल में सपोज कर लिया सी टू बी. तो अगेन यूजिंग द एल एम वी टी, सो एफ बी माइनस एफ सी अपॉन बी माइनस सी, बी माइनस सी. सो दिस विल बी इक्वल टू एफ डैश बीटा, एफ डैश बीटा आ गया. अब अपने को ये पता है कि फंक्शन एफ डैश एक्सेस क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो डिक्रीजिंग जब फंक्शन है, अपने को ये पता है हमें भी अल्फा क्या है, अल्फा इज लेस देन बीटा. सो एफ डैश ऑफ अल्फा इज विल बी ग्रेटर देन ऑफ एफ डैश ऑफ बीटा. तो ये हमारे पास में ये जो क्वांटिटी है बड़ी होगी किससे. सो ये जो क्वांटिटी, मतलब ये जो एफ सी माइनस एफ ए अपॉन सी माइनस ए विल बी ग्रेटर देन एफ बी माइनस एफ सी अपॉन बी माइनस सी. तो ये बड़ा होगा. तो इसको अगर अपने इसमें पुट करें तो हमारे पास में क्या आएगा, एफ सी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ सी इज ग्रेटर देन बट सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी. तो इस रेशियो की जो वैल्यू है दैट विल बी द ग्रेटर देन द सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी. तो ये किससे बड़ा है, सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी. सो तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बॉक्स देर आर द 20 कार्ड्स, सो आउट ऑफ विच द 10 आर लेबल्ड एज ए. 20 कार्ड्स हैं, उन 20 कार्ड्स में से 10 कार्ड पे क्या ए रिप्रेजेंट किया, ए लिखा हुआ है, ए मार्क है. एंड रिमेनिंग 10 कार्ड्स आर लेबल्ड एज ए बी, तो बाकी जो 10 कार्ड है उन पे क्या है, बी लिखा हुआ है. तो कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो कार्ड्स को रैंडमली ड्रा किया जाता है. एंड वन आफ्टर द अदर एंड विद द रिप्लेसमेंट, तो एक के बाद एक क्या कार्ड को निकाला जाता है विद रिप्लेसमेंट, मतलब प्रतिस्थापन करते हुए. टिल ए सेकेंड ए कार्ड इज ऑब्टेन, जब तक क्या है दूसरी कार्ड, ठीक है, टिल सेकेंड ए, मतलब दूसरा ए न प्राप्त हो जाए, मतलब तब तक निकालते जाना है विद रिप्लेसमेंट जब तक कि दूसरा ए प्राप्त न हो जाए. तो इसमें द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड ए कार्ड अपीयर्स बिफोर द थर्ड कार्ड बी, थर्ड बी कार्ड इज, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जब सेकेंड ए कार्ड अपीयर्स, तो क्या दूसरा मतलब ए कार्ड क्या है अपीयर हो जाए किससे पहले, कि बिफोर द थर्ड बी कार्ड इज, तो तीसरा कार्ड जो है वो बी आने से पहले क्या है, सेकेंड ए कार्ड क्या है, कार्ड मतलब सेकेंड ए कार्ड क्या है अपीयर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है. तो इसमें केसेस क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द कार्ड मार्किंग मार्केट विद ए विल बी 1/2. तो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हमारे पास में ये बन सकती है, जैसे देखो ए ए के लिए एक तो ये केस बनेगा, फिर दूसरा अपने पास में इस तरीके से बन सकता है जैसे बी ए ए, इसके दो केसेस बन जाएंगे. सो थर्ड प्लेस पे जब जैसे थर्ड कार्ड आपके पास में ए आ जाए तो इसमें अपने पास में दो केसेस बन जाएंगे, इसका अपने पास में एक केस बनेगा. तो नेक्स्ट वन आपके पास में ऐसा हो सकता है ए बी बी ए, तो इसमें अपने पास में कितने केसेस बन सकते हैं, देखो फोर्थ प्लेस पे क्या है सेकंड ए कार्ड आ रहा है फोर्थ पे, तो अब अपने पास में पहले में दो बी आ गए, तो ये अपने पास में ये पॉसिबल हो सकता है. ये कितने तरीके से, क्योंकि लास्ट में तो फिक्स है अपने पास में, इधर ए है, ए है, तो ये
ये कितने तरीके से अपने अरेंज हो सकते हैं, तो थ्री वेज से. सो प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या आ जाएगी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी विल बी हेयर. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी, सो 1/4 एंड प्लस 2/8 प्लस 3/16. इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम, सो दिस इज 4 + 4 + 3/16. सो आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज 11/16. सो करेक्ट ऑप्शन इज 4th वन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ 2D अगेन. सो लेट्स सी बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल विद वर्सेस 3 - 1, 1, 3 and 2, 4. Let P be the point of intersection of the lines. So P क्या है, इन दोनों lines का point of intersection है. Then the line passing through the points C and P also passes through the point. तो हमें क्या है, point P है वो आपको पता है, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों लाइंस का. और जो पॉइंट सी है वो एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड है जिसके वर्सेस क्या दिए हुए हमारे पास में ये. तो पहले अपने सी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं. तो सी के कोऑर्डिनेट निकाला तो हमारे पास में कितना आ रहा है, तो 6/3, सो दिस इज 2 एंड माइनस, तो अगेन 6 हियर, तो 7, 6, तो दिस इज 2. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल Having vertices these three points, तो ये centroid के coordinate आ गए. अब P के coordinate निकाल लेते हैं. P क्या है, point of intersection of these two lines. So very simple, x + 3y - 1 = 0. तो इसको मैं 3 से multiply कर लेता हूँ, 3 से, तो 3x - 3y + 3, तो दोनों को add करें. So adding, so here we have, so इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हेयर यू विल हैव 9, सो 9, सो दिस इज 10x - हेयर + 2. सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1/5. तो वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से. एक्स की वैल्यू जब -1/5 रखेंगे तो -6/5 हो गया. सो -6/5, सो दैट इज, सो 2/5 इसमें, तो -6, सो 3y, तो माइनस यानी 6/5, सो y इज इक्वल टू, हेयर वी हैव, सो 2/5. अब हमें क्या लाइन निकालनी है, तो विच इज ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड सी. सो -1/5 एंड 2/5, तो इक्वेशन ऑफ पी सी, तो इसकी इक्वेशन क्या बनी है हमारे पास में, π - 2, सो 2/5 - 2 एंड -1/5 - 2 एंड x - 2. इसमें इसको कैलकुलेट करेंगे तो y - 2, सो -8 एंड -11, सो x - 2. इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे अपने, तो 8x - 11y, तो कॉन्स्टेंट टर्म आपके पास में क्या आएगा, -16, यहाँ से माइनस का 22 आएगा, -22 और इधर प्लस का 6 आ जाएगा, तो ये आपके पास में प्लस का 6 इक्वल टू 0. सो अब इसमें ये पॉइंट इसमें रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास में, 72 माइनस and -66, so this point is satisfying this line. So our correct answer is 4th one. So next question, this is the problem belongs to the complex number. So let z be a complex number so that the modulus of z - iota / z + 2 iota is equal to 1 and modulus of z is equal to 5/2, then value of z + 3 iota is. So पहले तो हम क्या है, यहाँ से z का लोकस फाइंड आउट करेंगे, इसमें से यहाँ से लोकस मिलेगा. अब वो पॉइंट z क्या है, इस सर्कल पे लाई करता है, इस सर्कल पे लाई करे, तो अपने को एक्चुअल में क्या, यहाँ से जो लोकस मिलेगा और यहाँ से जो सर्कल का इक्वेशन है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही
दैट विल गिव यू दी, वो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जेड देगा हमें. तो अपने को इससे पहले लोकस फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से. तो यहाँ से लोकस अपने पास में क्या आएगा, x प्लस आयोटा वाई माइनस वन हेयर, जेड प्लस टू आयोटा. तो जेड की वैल्यू इसमें यहाँ पे रख दो, x प्लस आयोटा वाई, तो x माइनस वन प्लस आयोटा वाई. तो यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई प्लस टू आयोटा, इस तरीके से आएगा. अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट y इज इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट टू. तो ये अपने पास में y इज इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट टू मिल गया. अब मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू फाइव पॉइंट टू, तो इसकी बात करें, ये सर्कल का इक्वेशन है. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू फाइव अपॉइंट टू. तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25/4. तो ये x की वैल्यू जब इसमें डालोगे, मतलब y की वैल्यू जब इसमें रखेंगे, तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या मिलेगी, रूट सिक्स. इसमें रखें तो 1/4, तो माइनस 1/4 तो 6 आ गया, तो x इज इक्वल टू रूट सिक्स. सो x इज इक्वल टू वी हैव रूट सिक्स. क्लियर है? सो नाउ व्हाट इज द z, z इज इक्वल टू वी हैव अंडर रूट सिक्स माइनस 1/2 आयोटा. सो अब इसका अपने को डिस्टेंस पूछा किससे, माइनस थ्री आयोटा से. सो तो जेड प्लस थ्री आयोटा ये निकाल लेते हैं. तो ये आपके पास में किसके इक्वल आएगा, जेड प्लस थ्री आयोटा इसमें करेंगे तो हमारे पास में रूट सिक्स, तो इसमें थ्री आयोटा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस फाइव आयोटा अपॉन टू. इसका मॉडुलस की बात कर रहे हैं, तो मॉडुलस इसका क्या आ रहा है आपके पास में, तो सिंपल इसमें मॉडुलस, तो अंडरूट में 6 प्लस 25 अपॉन 4. इसको सिंप्लीफाई किया तो दिस विल बी इक्वल टू 7/2. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फोर्थ वन. सो लेट एफ डैश एक्स टेन इनवर्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स. सो एक्स वेरिंग फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एंड एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो. सो देन एफ वन इज इक्वल टू, तो हमें F1 की वैल्यू पूछी हुई है. तो पहले तो देखो इसमें x की जो रेंज दे रखी है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू दे रखी है. तो इसमें हम क्या है, इस फंक्शन को पहले tan इनवर्स से और sec x प्लस tan x से इससे फ्री करते हैं. तो इसमें सिंपल सा इसका तरीका है f डैश x tan इनवर्स, इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, तो 1 प्लस साइन x अपॉन कोस x, इस फॉर्म में ले आए. अब इसको मैं क्या है, मतलब ये टेन के फॉर्म में लाना है हमें, ये टेन के फॉर्म में आ जाए. तो इसको टेन में फॉर्म में लाने के लिए इसको देखो टेन इनवर्स, तो इसको लिखा मैंने वन माइनस कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स अपॉन साइन पाई बाई टू प्लस एक्स. इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, इसमें देखो क्या लगाते हैं, टू साइन स्क्वेयर पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, तो टू साइन पाई बाई फोर एक्स बाई टू कॉस पाई बाई फोर एक्स बाई टू. तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करके ट्रिग्नोमेट्री लगाकर, तो टेन इनवर्स हमारे पास में टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू. अब इसकी जो रेंज है ना, इसकी जो रेंज है, जब इसमें देखो एक्स बाई टू से इसको मैं टू से जब डिवाइड करूँगा, तो माइनस पाई बाई फोर से लेकर एक्स बाई टू कहाँ से कहाँ, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर हो जाएगा, फिर एडिंग पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर जब उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास में वो कहाँ से हो जाएगा, तो इसमें जब तो जीरो से लेकर पाई बाई टू तक हो जाएगा. सो इट्स वैल्यू, इट्स रेंज क्या है, जीरो से पाई बाई टू में वेरी कर रही है. तो यू कैन रिमूव द टेन इनवर्स विद द टेन विद द अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा. तो एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे पास में, एफ डैश एक्स पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू. सो इसका इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में एफ एक्स क्या आ गया, पाई बाई फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर. क्लियर है? तो अब इसमें जीरो पे वैल्यू कितनी दे रखी है, तो कांस्टेंट भी इसमें आएगा, तो कांस्टेंट सी. तो जीरो पे वैल्यू फंक्शन की क्या दे रखी है, जीरो दे रखी है, तो सी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, जीरो मिलेगी. तो अब इसमें तो एफ
एक्स इज इक्वल टू सी की वैल्यू जीरो मिलेगी, जीरो पे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ जीरो इज जीरो, तो सी की वैल्यू हमारे पास में जीरो आ गई, तो एफ एक्स पाई एक्स अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर, तो इसकी वैल्यू वन पे पूछी है तो दिस विल बी इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई प्लस वन अपॉन फोर, तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्ड वन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. सो दिस इक्वेशन इज गिवन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो अगर इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, अगर हम इसमें ए एम जी एम का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाता है. तो इस इक्वेशन को मैं ई रेस्ट पर टू एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, ई रेस्ट पर टू एक्स से जब डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में बन जाती है, तो ई रेस्ट पर टू एक्स प्लस ई रेस्ट पर एक्स, हमने ई रेस्ट पर टू एक्स से इससे डिवाइड कर दिया, सो प्लस ई रेस्ट पर एक्स माइनस फोर प्लस वन अपॉन ई रेस्ट पर एक्स प्लस वन अपॉन ई रेस्ट पर टू एक्स इजिकल टू जीरो, डिवाइडिंग बाई किससे डिवाइड किया, ई रेस्ट पर टू एक्स. सो नाउ दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो यू नो द एनी पॉजिटिव क्वांटिटी इज एडेड विद इट्स रेसिप्रोकल दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, सो बाई यूजिंग द ए एम जी एम. तो इसमें आपके पास में ई रेस्ट पर टू एक्स प्लस वन अपॉन ई रेस्ट पर टू एक्स, सो प्लस ई रेस्ट पर एक्स प्लस वन अपॉन ई रेस्ट पर एक्स, सो दिस इज इक्वल टू फोर. ये क्वांटिटी आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, बट लेफ्ट हैंड साइड भी है, मतलब दिस लेफ्ट हैंड साइड भी है ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, बट राइट हैंड साइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू फोर. तो ये फोर की इक्वल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होल्ड होगा, कब होगा, तो ये सिर्फ ए की वैल्यू पे पॉसिबल है व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड फोर चाहिए हमें, तो फोर तो ओनली इट इज पॉसिबल फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल फोर फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए, सो तो सॉल्यूशन टू दिस गिवन इक्वेशन इज वन, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज वन, सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डेफिनेट इंटीग्रल, सो डेफिनेट इंटीग्रल वी जस्ट वी हैव हियर हैविंग द लिमिट फ्रॉम जीरो टू टू पाई, कहाँ से कहाँ तक है इसकी लिमिट, जीरो से टू पाई, एक्स साइन एक्स होल रेस्ट पावर एट साइन एक्स होल रेस्ट पावर एट अपॉन में साइन एक्स रेस्ट पावर एट प्लस कोस एक्स होल रेस्ट पावर एट, तो ये इसकी वैल्यू हमें पूछी है. तो हम क्या है, पहले देखो इसमें एक्स है, एक्स को क्या है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, जैसे इस प्रॉपर्टी को जीरो से ए एफ एक्स डेफिनेट इंटीग्रल हैविंग वैल्यू फ्रॉम जीरो टू ए, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम एक्स को पहले रिमूव करेंगे. तो एक्स को जब रिमूव करेंगे तो देखो इसमें इसको आई के इक्वल रख लिया, सो आई के इक्वल जीरो से टू पाई एक्स साइन, तो अब इसमें ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, सो ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया आपके पास में इसमें, सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो टू टू पाई, सो टू पाई माइनस एक्स अपॉन, तो साइन टू पाई माइनस एक्स होल रेस्ट पावर एट, वो तो वही रहेगा सेम, तो इसमें भी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इनमें सब में, तो ये क्या आएगा आपके पास में, तो साइन अपॉन में साइन एक्स होल रेस्ट पावर एट प्लस कोस एक्स होल रेस्ट पावर एट. तो अगर इसको अपने ये एक्स वाले पार्ट को अलग कर दें तो वो आई बनेगा दोबारा, दोबारा हमारे पास में आई बनेगा, तो आपके पास में ये दिस विल बी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन टू आई जीरो टू टू पाई एंड टू पाई एंड साइन कॉस एक्स होल रेस्ट पावर एट इंटू डी एक्स,
हेयर डी एक्स। तो अब इसमें हम क्या है, ये प्रॉपर्टी जैसे देखो, जीरो से डेफिनेट इंटीग्रल की, जीरो से टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें तो ये जीरो से टू ए है, तो इसमें टू ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये कब होता है, जैसे देखो एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर, एफ एक्स के बराबर। ये प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ कर लेंगे, तो ये प्रॉपर्टी भी इसमें है। तो अब इसमें क्या है, ये डेफिनेट इंटीग्रल की हमें प्रॉपर्टी पता है। तो अब इसमें मैं पहले क्या है, देखो ये प्रॉपर्टी जब इसमें लगाते हो तो सेम फंक्शन हमारे पास में आएगा, तो साइन टू पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर एट विल बी सेम। तो इस टू को अपने क्या आगे लाएंगे, तो टू को इसको आगे लाएंगे, तो ये टू अपने पास में ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास में क्या आएगा, सो दिस इज आई इज इक्वल टू टू जीरो टू पाई, तो साइन अपॉन साइन एक्स होल स्क्वायर एट, तो साइन एक्स होल स्क्वायर एट प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर एट इंटू डी एक्स। तो अगेन अगेन इसमें फिर वही प्रॉपर्टी जो अभी मैंने बताई थी, तो जीरो से टू ए डिफरेंट इंटीग्रल एफ एक्स क्या है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द हैविंग द लिमिट फ्रॉम जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें फिर वही प्रॉपर्टी अपने लगा सकते हैं, इसमें क्या आएगा फिर इसमें, सो आई इज इक्वल टू सो फोर जीरो टू पाई बाई टू, सो हेयर वी हैव अपॉन साइन एक्स होल स्क्वायर एट प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर एट डी एक्स। तो ये सिंपल एक डेफिनेट इंटीग्रल बन गया, तो इसकी वैल्यू वी ऑल नो सो इट्स वैल्यू इज जस्ट सिंपली इक्वल टू व्हाट, पाई बाय फोर। सो हेयर वी हैव जस्ट पाई, दैट इज पाई, सो इसकी वैल्यू पाई बाय फोर, सो आई इज इक्वल टू वी हैव सो फोर पाई इंटू पाई स्क्वायर अपॉन, सो दिस विल बी I इज इक्वल टू फोर पाई इंटू पाई अपॉन फोर, सो दिस विल बी पाई स्क्वेयर। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पाई स्क्वेयर, सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द हेयर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, सो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन लगेगी, उसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी बनेगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें तो डी एक्स एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर एट अपॉन सेवन। तो मैंने इससे एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर एट अपॉन सेवन से डिवाइड कर दिया, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास में, सो दैट इज एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर फोर्टीन अपॉन सेवन, तो एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर टू, सो वन अपॉन एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर। इसको अपने टी पुट कर लेते हैं, तो इसको पुट जब टी करेंगे तो हमारे पास में x प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू टी। तो इसको जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में ये क्या आएगा, सिंपल आपके पास में जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस सेवन अपॉन एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर डी एक्स सो डी टी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, सो दैट इज माइनस वन अपॉन सेवन डी टी। तो ये आपके पास में माइनस वन अपॉन सेवन तो डी टी अपॉन टी रेस्ट पर एट अपॉन सेवन, क्लियर है। अब इसमें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आएगा, माइनस वन अपॉन सेवन टी रेस्ट पावर माइनस वन अपॉन सेवन अपॉन माइनस वन अपॉन सेवन। तो ये अपने पास में इसका डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब इसका क्या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास में, तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस सी। तो इसमें टी की वैल्यू वापस रख दो, टी किसके इक्वल हमारे पास में, एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन सेवन प्लस सी। अगर अपने जस्ट इसका रेसिप्रोकल लें तो एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर वन अपॉन सेवन बनेगा, सो आंसर अकॉर्डिंग टू दिस इज द ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर, सो द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मैट्रिक्स मैट्रिसेस, सो
दिस इज गिवन टू यू, बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 3a, देन एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू. तो अपने पास में पहले हमें क्या है, इसमें जो इसकी वैल्यू पूछी है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए. तो हमें मैट्रिक्स ए की पहले डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे. तो मैट्रिक्स ए की जब डिटरमिनेंट वैल्यू हम निकालेंगे, तो इसमें 1, 1, 2, 1, 3, 4, 1 माइनस, सो दिस इज 1, 3, 4, 1 माइनस 1, 3. इसकी जब डिटरमिनेंट वैल्यू अगर अपने सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में 9 प्लस 4, तो इसको वैल्यू हमारे पास में ये 6 मिलेगी. तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी हुई, 6. क्लियर है? नाउ मैट्रिक्स बी इज द एडजॉइंट ऑफ ए, सो एडजॉइंट ऑफ बी, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू की बात कर रहा है, तो इसको अपने ऐसे लिख लेते हैं. सो बी इज हियर एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए. तो ये आपके पास में किसके बराबर आएगा, तो मैट्रिक्स ए की डिटरमिनेंट वैल्यू रेज पावर 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, सो दिस विल बी 6 रेज पावर 4. तो 6 रेज पावर 4 के इक्वल आ गया. सो मैट्रिक्स सी इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3a. तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, सो 3 क्यूब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, सो दैट विल बी 27 इंटू 6. तो क्या पूछा हमें, एडजॉइंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ सी. तो इसमें अपने सिंपलीफाई, इसमें जब इसमें रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, सी रेज फॉर मतलब 6 रेज फॉर 4 अपॉन 27 इंटू 6, सो 216 अपॉन 27, दैट इज इक्वल टू 8. इसकी वैल्यू, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हियर 8. तो थर्ड ऑप्शन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कल टचेज द वाई एक्सेस एट द पॉइंट 0, 4 एंड पासेज थ्रू द पॉइंट 2, 0, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेंजेंट टू द सर्कल. तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक सर्कल फाइंड आउट करेंगे जो वाई एक्सेस को किस पॉइंट पे टच करता है, 0, 4 पे, और किस पॉइंट से पास होता है, 2, 0 से. तो इक्वेशन क्या आएगी सर्कल की, द सर्कल इज द सर्कल, सो एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वेयर प्लस लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0. ये कहाँ से पास हो रहा है, दिस पासिस थ्रू, इट पासिस थ्रू पॉइंट 2, 0. तो ये 2, 0 इस पॉइंट, इसको इसमें रखेंगे तो 0 यहाँ पे 16, 4, सो हियर एक्स लेमडा इज इक्वल टू -10, लेमडा -10 मिलेगा. तो लेमडा की वैल्यू जब इसमें रखेंगे -10, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम. तो सर्कल का इक्वेशन हमारे पास में किस फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -10x एंड -8y प्लस 16. ये हमारे पास में सर्कल आ गया. ठीक है, तो अब इस सर्कल का सेंटर निकाल लो. सेंटर क्या है इसका, सेंटर सेंटर इज 5, 4 एंड रेडियस, रेडियस कितना है, 5. अब हम सर्कल के सेंटर से जो गिवन ऑप्शन में जो लाइंस दी हुई है, तो सभी लाइंस पे क्या है, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे. अगर परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल टू रेडियस आ जाती है, तो देन दैट लाइन विल बी द टेंजेंट. वो लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी. किस पे, सर्कल पे. तो अपने तो पहले देखो, पहले ऑप्शन में अगर अपने यहाँ पे 5, 4 परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस पे, तो परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द फर्स्ट लाइन, सो क्या आएगा हमारे पास में, देखो इसमें परपेंडिकुलर की लेंथ की बात करते हैं, तो इसमें 4, 20, सो 12 माइनस 8, सो अपॉन 5. क्लियर है? सो दिस इज 32 माइनस 8, 24 अपॉन 5, नॉट इक्वल टू 5.
तो फर्स्ट ऑप्शन से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो हमने ड्रा की है तो वो सर्कल के रेडियस के बराबर नहीं आ रही, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है। अगर अपने सेकंड पे चेक करें थोड़ा सा, देखो यहाँ से 15 माइनस 16 एंड दैट इज 25 आएगा, 25/5 आ रहा है। तो अब इसकी बात करें तो 15 प्लस 16 माइनस 6 सो 31 माइनस 6 से 25/5 से अगेन दिस इज अ टेंजेंट। फिर इस पे आ जाए, इसकी बात करें तो 20 माइनस 12 से 25/5 सो दीज आर दी थ्री टेंजेंट्स टू द सर्कल। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर विच इज नॉट टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है इफ फॉर ऑल रियल ट्रिपलेट्स ए बी सी सो एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर एंड देन डेफिनेट इंटीग्रल हैविंग लिमिट फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू। तो हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू बताना भी किसके इक्वल है, तो किसके इक्वल आएगा। तो अपने 0 to 1 आई डेफिनेट इंटीग्रल, इसको आई सपोज कर लेते हैं, तो ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर सो ये हमारे पास में ए प्लस बी अपॉन टू प्लस सी अपॉन थ्री इस फॉर्म में आएगा। तो अपने अब इसमें एफ जीरो की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ जीरो किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास में ए के, एफ वन किसके इक्वल आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी के, एफ वन अपॉन टू, एफ वन अपॉन टू हमारे पास में किसके इक्वल है, यहाँ पे वन अपॉन टू निकाल लेते हैं, ए प्लस बी अपॉन टू प्लस सी अपॉन फोर। तो इसको फोर से मल्टीप्लाई करें तो एफ वन अपॉन टू प्लस फोर ए प्लस फोर टू बी एंड प्लस सी। तो अगर अपने इसको देखो इन सभी वैल्यूज को इन ऑप्शंस में रखते हैं तो फोर्थ ऑप्शन में अगर अपने रखें इसमें सो वन अपॉन सिक्स सो जीरो ए एंड सिंपली वी हैव टू ऐड, हमें कौन कौन सा ऑप्शन है मतलब कौन कौन से पार्ट को ऐड करना है, इसको इसको इसको, तो सिक्स ए प्लस सो बी हमारे पास में कितना आ रहा है सो थ्री बी एंड सी हमारे पास में क्या आ रहा है टू सी। तो इसको अगर अपने सिंप्लीफाई करते हैं दिस इज ए प्लस बी अपॉन टू सी अपॉन थ्री सो वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू द फोर्थ ऑप्शन सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द फोर्थ वन सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट वन, सो दिस इज द सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस सो सिंपली दिस इज इक्वल टू, तो इसको अपने देखो किस में लिखेंगे साइन, इसको कॉस पाई बाई टू माइनस पाई बाई एट लिख लें, इसको क्या है साइन पाई बाई टू माइनस पाई बाई एट लिख लें। तो ये किस फॉर्म में बनेगा, देखो कॉस क्यू पाई बाई एट एंड कॉस पाई बाई टू माइनस पाई बाई एट सो प्लस साइन पाई बाई एट साइन क्यूब पाई बाई एट एंड साइन पाई बाई टू माइनस पाई बाई एट। तो ये कॉस में बदलेगा, दिस इज कॉस दिस इज आल्सो साइन सो वी हैव, तो आपके पास में कॉस क्यूब पाई बाई एट साइन पाई बाई एट प्लस तो साइन क्यूब पाई बाई एट एंड कॉस पाई बाई एट। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास में, तो साइन पाई बाई एट कॉस पाई बाई एट, तो ब्रैकेट में हमारे पास में कॉस स्क्वेयर पाई बाई एट प्लस साइन स्क्वेयर पाई बाई एट होगा, तो वो वन के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसमें टू से मल्टीप्लाई करें, टू से डिवाइड कर लें, तो इसमें टू से मल्टीप्लाई किया तो साइन क्या बनेगा, तो वन अपॉन टू सो साइन पाई बाई फोर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में वन अपॉन टू रूट टू। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द सेकेंड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द बिलोंग्स टू द सीक्वेंस सीरीज, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। सो टू रेज पावर वन अपॉन फोर इंटू टू रेज पावर, इसको टू की फॉर्म में लिख लेते हैं अपने, टू रेज पावर टू अपॉन सिक्सटीन, टू रेज पावर थ्री अपॉन 48, टू रेज पावर, तो टू की
बेस इनका क्या, जो बेस हम 2 की पावर में बदल लेते हैं, मतलब 2 रेस्ट पावर, तो 2 रेस्ट पावर हियर 2 अपॉन 16, 2 रेस्ट पावर 3 अपॉन 48, 2 रेस्ट पावर 4 अपॉन 128. सो दिस कंटिन्यूस अप टू इन्फिनिटी. सो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 1 अपॉन 4. सो 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 32. सो दिस इज जीपी, इनफाइनाइट जीपी इन द पावर ऑफ 2. तो 2 की घात में हमारे पास में एक जीपी मिल गई. तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास में 1/4, और कॉमन रेशियो इसका कितना है 1/2 है. तो इसको जब सिंपलीफाई करोगे तो दिस इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 1/2. सो करेक्ट आंसर टू दिस ऑप्शन इज, मतलब दिस क्वेश्चन इज, तो करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ वन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लिमिट. सो हियर द फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट वी हैव द फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस 2 एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज लेस देन 0. सो एट एक्स इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज बी, एंड फॉर राइट हैंड लिमिट वी हैव दिस टाइप फंक्शन. सो यू हैव टू, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस. सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0, दे आर इक्वल फॉर कंटिन्यूटी. सो देन यू हैव टू फाइंड आउट द ए प्लस 2b इज इक्वल टू, तो हमें ए प्लस 2b की वैल्यू बतानी है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट में तो हमारे पास में ये लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो साइन ए प्लस 2 एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स. तो इसमें ये 0/0 फॉर्म में है. तो अपने इसमें अगर डीएल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करेंगे तो हमारे पास में ये फाइनली, तो यहाँ से जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, कॉस ए प्लस 2 एक्स इंटू ए प्लस 2, तो फिर प्लस कॉस एक्स अपॉन 1. इसमें जब लिमिट लगाओगे तो आपके पास में ये लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो कॉस ए प्लस 2 एक्स इंटू ए प्लस 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1. इसमें लिमिट लगाया तो हमारे पास में क्या आ गया, ए प्लस 3 आ गया. क्लियर है? तो सिमिलरली फॉर द राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए देखो हमारे पास में क्या है, राइट हैंड के लिए, तो राइट हैंड लिमिट के लिए इसमें से मैं क्या है, एक्स रेशो, एक एक्स को कॉमन निकाल दें, तो एक्स रेशो 1/3 कॉमन आएगा. यहाँ से यहाँ भी एक्स रेशो 1/3 कॉमन आ जाएगा, तो एक्स रेशो 1/3 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, एक्स रेशो 1/3 को हम कैंसिल कर देंगे, तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो एक्स रेश पावर 1/3, तो 1+3 एक्स होलिश 1/3, तो एक्स रेश पावर 1/3 अपॉन एक्स रेश पावर 1/3 इंटू एक्स. क्लियर है? सो अब इसमें से एक्स रेश पावर 1/3 कैंसिल हो जाएगा और इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे. तो बाइनोमियल थ्योरम हम जब लगाएंगे तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से कर लें, तो अपने को 2 ही टर्म लिखने हैं. तो 3x अपॉन 3 प्लस, तो नेक्स्ट वाले टर्म को लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें. सो जैसे 1/3, सो 1/3 आगे वाले टर्म आएंगे अपॉन फैक्टर 2x² आएगा, तो 3x होल स्केयर आएगा. सो एस डैश माइनस 1, ये माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा अपॉन x. सो हेयर भी है दिस 1. तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास में क्या आ गई, 1 आ गई. तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. सो वी हैव LHL RHL इज इक्वल टू b. सो दिस इज 1 एंड फर्दर a प्लस 3. सो a इज इक्वल टू माइनस 2 एंड b इज इक्वल टू 1. सो a प्लस 2 b, ए प्लस 2 भी हमारे पास में क्या आ गया, 0. सो वैल्यू ऑफ ए प्लस 2 भी इज इक्वल टू 0. सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द ऑब्जर्वेशंस एक्स आई, सो 1 आई वेरीज फ्रॉम 1 to 10, सेटिस्फाई द दिस इक्वेशन. क्लियर है? नाउ सिग्मा वेरीज फ्रॉम 1 to 10, एक्स माइनस आई, मतलब एक्स आई माइनस 5 इज इक्वल टू 10. दिस इज द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम 5, that is equal to 40. If mu and lambda are the mean and variance of the observations, so अब हमारे पास में नया जो
ऑब्जर्वेशंस का जो सेट है वो हमारे पास में एक्स वन माइनस थ्री, एक्स टू माइनस थ्री, एक्स टेन माइनस थ्री है। तो हमें ये पता है अगर अपने पास में कोई भी सीरीज़ में तो ऑब्जर्वेशंस जो दी होती है अगर उनमें कुछ क्वांटिटीज अगर अपने ऐड करें इन ईच ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशंस में कोई क्वांटिटी ऐड करें तो मीन भी उनका उतनी वैल्यू से बढ़ जाता है। तो जैसे मीन ऑफ, अगर मैं ये कह देता हूँ मीन ऑफ एक्स आई प्लस लेमडा, तो वो आपके पास में क्या आ जाएगा, एक्स बार प्लस लेमडा। सो वेयर आई इज इक्वल टू, जैसे मैं सपोज कर लेता हूँ एक्स ऑब्जर्वेशन, एक्स आई ऑब्जर्वेशन का मीन हमारे पास में सपोज करो एक्स बार है, तो इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाई लेमडा सो द एक्स बार प्लस, तो मीन ऑफ द न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी एक्स बार प्लस लेमडा। तो अपने पास में पहले क्या है, उनका जो ओरिजिनल वन मीन दिया हुआ है उसके ओरिजिनल मीन क्या है आपके पास में, देखें एक्स बार हेयर, तो सिग्मा एक्स माइनस फाइव आई इज इक्वल टू वन टू टेन, सो दैट इज हमारे पास में कितना दिया हुआ है अपॉन, सो टेन, सो दैट इज टेन अपॉन टेन, क्लियर है, सो दिस इज वन। अब नाउ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय व्हाट, टू, तो दो से हर एक ऑब्जर्वेशन को दो से बढ़ा दिया गया है, मतलब दो सब में ऐड किया गया, तो नया मीन क्या आएगा, सो न्यू मीन विल बी, न्यू मीन मीन विल बी तो वन प्लस टू, सो दैट इज थ्री। तो आपके पास में सो म्यू इज द मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस, तो म्यू है वो इन ऑब्जर्वेशंस का, इन प्रेक्षण का मीन है, तो म्यू इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। अब हमें ये पता है कि वेरिएंस के लिए अगर किसी भी डेटा में, किसी भी सीरीज में अगर ईच ऑब्जर्वेशन को किसी वैल्यू से बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो जो नए ऑब्जर्वेशंस आते हैं जो उनमें क्या वेरिएंस में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो वेरिएंस विल रिमेन सेम, तो वेरिएंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने चाहे हम ये जो डेटा दिया हुआ है इसका वेरियंस निकाल लो या इनका नए सेट ऑफ नए ऑब्जर्वेशंस का वेरियंस निकाल लो, तो एक ही बात है। तो हम क्या है जो पहला जो ओरिजिनल वन दिया हुआ है हमारे को तो डेटा से वहाँ से हम वेरियंस निकाल लेते हैं, तो वेरियंस सेम रहेगा, तो वेरियंस विल बी हेयर द गिवन डेटा, सो दैट इज सिग्मा वन टू टेन एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस, तो दिस इज 10, ये 10 के इक्वल रखेंगे, 10 गिवन है, सो माइनस, सो सिग्मा एक्स माइनस फाइव आई, सो 1 टू 10 अपॉन 10, सो स्क्वायर, सो इट्स वैल्यू इज 10, तो दिस इज 1, सो दिस वी हैव 40 अपॉन 10, so this is 1, so this is 3, so lambda is, and lambda is the variance of the this new set of observations, इनका variance और इनका variance same रहेगा क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई quantity add करते हो subtract करते हो in each observation, so here lambda is equal to 3, so ordered pair lambda mu, mu lambda that is 3 3, so correct option is 3 3, so third option is the correct option. So next question, the projection of the line segment joining the, so you have to find out the projection, hame kya prakshep gyat karna hai in dono binduon ko milane wali jo rekha hai to uska prakshep gyat karna hai, kis pe gyat karna hai, is line pe, theek hai, jo in do points ko milati hai, to apne इसको मैं P और A और B लेट कर लेता हूँ, इसको C और D लेट कर लेता हूँ, तो AB वेक्टर आपके पास में क्या आ रहा है, AB वेक्टर हमारे पास में हुआ I एंड माइनस 3J एंड प्लस 8K कैप, तो हमारे पास में इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले कैप वेक्टर निकाल लिया हमने, सो वेक्टर इज हियर I कैप एंड माइनस थ्री जे कैप प्लस 8K कैप। नाउ व्हाट इज द वेक्टर सी डी,
सी डी, तो सी डी हमारे पास में क्या आ रहा है, फोर आई कैप एंड माइनस फोर जे कैप एंड प्लस सेवन के कैप. तो हमारे पास में वेक्टर सी डी, वेक्टर सी डी हमने निकाल लिया विच इज फॉर्म्ड बाय द दीज टू पॉइंट्स. तो इन दोनों पॉइंट से मिल रहा है, तो हमारे पास में क्या आ गया, फोर आई माइनस फोर जे प्लस सेवन के कैप. अब हमें क्या ए बी का प्रोजेक्शन निकालना है सी डी वैक्टर पर. तो इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा, तो प्रोजेक्शन ऑफ ऑफ ए बी वैक्टर ऑन सी डी इज गिवन बाई ए बी वैक्टर डॉट सी डी वैक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी डी वैक्टर, मॉडुलस ऑफ ए बी वैक्टर डॉट सी डी वैक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी डी वैक्टर. तो अपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारे पास में क्या आ रहा है, फोर प्लस ट्वेल्व प्लस 56. तो इसका मॉडुलस, मॉडुलस सिक्स, तो 16 प्लस 16 प्लस 49. सो दिस विल बी द आवर प्रोजेक्शन. सो दिस विल इज 16, 72, 72 अपॉन 9, 81. सो दिस इज 8. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 8. आंसर इज 8. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशियंट ऑफ एक्स इज टू 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, तो इसमें हमें एक्स रेश पर फोर का कोफिशियंट निकालना. तो अगर अपने इसको सिंपली अगर पहले देखो इस तरीके से लिखें, तो वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स होल स्क्वायर 10. सो दिस विल बी वन माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर 10 एंड वन माइनस एक्स रेश पर माइनस 10. तो इसका एक्सपेंशन अपने सिर्फ दो ही टर्म का करना है, इसका हमें दो ही टर्म का एक्सपेंशन करना है. तो 1 माइनस टेन एक्स क्यूब, तो आगे वाले टर्म में हमें एक्स की पावर 6 मिलेगा, तो हमें आगे नहीं करना. तो अब इसकी बात करें तो इसका अपने पास में एक्सपेंशन आता है 1 प्लस टेन एक्स इस तरीके से. तो एक तो क्या टेन एक्स का लेना है, और एक हमें क्या है किसका कोफिशियंट लेना है इसमें, एक्स रेश पावर 4 का. तो एक्स रेश पावर 4 का जो कोफिशियंट आएगा वो हमारे पास में क्या आएगा इसमें, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स रेश पावर 4, सो दैट इज, तो 10 प्लस 4 माइनस 1 सी 4, 10 मतलब 13 सी 4 और एक्स रेश पावर 4 ये मिलेगा. ठीक है, तो अब अपने यहाँ पे एक्स की बार 4 के कोफिशियंट की बात करना है, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स रेश पावर 4, कोफिशियंट ऑफ एक्स रेश पावर 4, सो दैट विल बी माइनस 100 प्लस 10 सी 4. अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 100 प्लस 715, सो दिस विल बी 615. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 615. हम इसको अगर अपने इस तरीके से भी करें तो देखो एक इस तरीके से भी हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो 10 हियर एक्स, 1 प्लस 10, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 10 प्लस 1 प्लस या 10 सी 1, 1 प्लस एक्स 9 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 10 सी 2, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 8 एक्स रेश्यो 4. इससे भी हम इसको इस तरीके से भी हम एक्सपेंड करके एक्स रेश्यो 4 का कोफिशियंट निकाल लेंगे, तो वो भी सिंपल बन जाएगा. यहाँ से अपने पास में एक्स की पावर 4 का कोफिशियंट निकाल लो इसमें, तो 10 सी 4 आ जाएगा, इसमें 10 सी 1, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर पहले से तो 9 सी 2 आ जाएगा. तो इसमें सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास में अगेन यू विल गेट 615. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन की बात करें, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है. तो यहाँ पे x प्लस 1 डी वाई, सो हेयर x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 तो डी एक्स. तो इसमें इसको पहले अपने सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को. तो x प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई एंड x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3
3. Clear? So now dy upon dx. So we have minus 1 upon x plus 1 y. So this is x plus 1 minus 3 upon x plus 1. Iska if kitna hai? If nikale integrating factor. So linear differential equation ban gayi. इसका आई एफ की बात करें तो क्या आएगा, आई एफ ई रेज पर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स. सो ये हमने हमारे पास में वन अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉग एक्स प्लस वन. सो ये आपके पास में वन अपॉन एक्स प्लस वन आ गया. क्लियर है? तो इसका सॉल्यूशन क्या बना, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू वाई. सो एक्स प्लस वन माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन सो डी एक्स. तो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में ये किस फॉर्म में आ गया, तो डी एक्स माइनस थ्री डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर. तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बन गया. इसका हमारे पास में एक्स के इक्वल आएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जैसे 1 अपॉन एक्स प्लस वन आ जाएगा तो माइनस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फिर प्लस सी. सो हियर वी हैव y अपॉन एक्स प्लस वन. अब c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे को इसमें ये वैल्यू दी हुई है, तो इसमें देखो अब इसमें x इज इक्वल टू टू डालें, पुट x इज इक्वल टू टू. आप सही है, इसमें x इज इक्वल टू टू रखेंगे तो क्या आ रहा है, तो y अपॉन थ्री. सो टू प्लस वन प्लस सी. सो वी हैव वाई इज इक्वल टू सिक्स प्लस थ्री प्लस सी. सो दिस इज इट्स वैल्यू इज जीरो. सो दिस इज जीरो. सो ये हमारे पास में जीरो. सो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कितना आ रहा है, माइनस नाइन. तो सी इज इक्वल टू माइनस नाइन. तो इसमें y की वैल्यू जीरो है तो अपने पास में ये किस इंटीग्रेशन किस फॉर्म में बन गया, तो y अपॉन x प्लस वन एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन माइनस नाइन. अब x इज इक्वल टू थ्री डालना है हमें x इज इक्वल टू जब थ्री रखेंगे इसमें तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो पुट x इज इक्वल टू थ्री. सो एट x इज इक्वल टू थ्री वैल्यू ऑफ y वी हैव टू फाइंड आउट. x बराबर तीन पर हमें क्या है y की वैल्यू निकालनी है. तो इसमें तीन रखा तो कितना आया हमारे पास में, सो y अपॉन फोर एंड थ्री प्लस थ्री अपॉन फोर माइनस नाइन. तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हमारे पास में सो माइनस नाइन सो माइनस सिक्स. तो हियर वी हैव y इज इक्वल टू जीरो. तो c की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है माइनस थ्री आ रही है. तो सी की वैल्यू माइनस थ्री, इसको माइनस थ्री करेंगे क्योंकि वाई की वैल्यू जीरो है तो माइनस थ्री आएगा. तो सी की वैल्यू माइनस थ्री यहाँ पे, तो माइनस थ्री इसमें रखा तो अब इसमें आपके पास में सी की वैल्यू माइनस थ्री है, ये माइनस थ्री. अब इसमें थ्री सी थ्री कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया हमारे पास में, वाई की वैल्यू थ्री आ गई. सो वाई थ्री इज इक्वल टू वी हैव थ्री. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थ्री. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स विद बेस वन अपॉन टू इज इक्वल टू टू माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ कोस एक्स विद बेस वन अपॉन टू इन द इंटरवल. इस इंटरवल में हमें फाइंड आउट करना है. तो इसको देखो अपने सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो किस फॉर्म में लिख देते हैं, वन अपॉन टू लॉग हैविंग द बेस वन अपॉन टू. सो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ हैविंग बेस वन अपॉन टू मॉडुलस ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू टू. इसको अपने सिंप्लीफाई किया तो क्या आ रहा है, साइन एक्स कोस एक्स मॉडुलस ऑफ साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू टू वन अपॉन टू रेस्ट पावर टू. इस फॉर्म में आ गया हमारे पास में. तो इसमें मॉडुलस, तो अब इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया. टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास में, जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टू साइन मॉडुलस ऑफ साइन टू एक्स इज इक्वल मॉडुलस ऑफ साइन टू एक्स आ गया. तो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन टू फर्दर. सो अब हम क्या है, मॉडुलस ऑफ साइन टू एक्स का ग्राफ बना लेंगे इस इंटरवल में जीरो से टू पाई में. तो यहाँ पर आपके पास में
जैसे साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे 0 से पाई में, तो हमारे पास में एक लूप आती है। अगर अपने मॉडुलस ऑफ साइन टू एक्स का 0 से पाई में अगर अपने ग्राफ बनाएंगे तो दो लूप मिलेगी, इसमें आपको चार लूप मिलेगी। तो चार लूप मिलेगी तो इसमें इसका जो ग्राफ बनेगा तो इस टाइप का आएगा हमारे पास में। सो ये 2π, तो यहाँ पे आपके पास में पाई बाई टू पाई, सो 3π/2 इस फॉर्म में आएगा। अब नाउ मॉडुलस ऑफ साइन टू एक्स इजिकल टू 1/2, सो वेयर इज द लाइन y इजिकल टू 1/2, 1/2 लाइन यहाँ आएगी हमारे पास में। ये लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो 8 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हेयर 8 पॉइंट्स, क्लियर है। सो सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज 8, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8। तो लास्ट क्वेश्चन, सो इफ द वेक्टर्स पी वेक्टर a+1 आई ए जे कैप प्लस ए के कैप, क्यू वेक्टर ए आई कैप प्लस a+1 जे कैप प्लस ए के कैप, आर वेक्टर इज गिवन टू यू एंड आर कोप्लेनर, एंड 3p⃗⃗⃗² - λr⃗⃗³² = 0। सो देन वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो हमें क्या लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पहले ये गिवन है कि भाई ये तीनों वेक्टर क्या हैं, कोप्लेनर हैं। सो जब कोप्लेनर है तो इन सो डिटरमिनेंट वैल्यू, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 वैक्टर विल बी इक्वल टू 0, तो इनका जो आदिश त्रिगुणन है वो 0 होगा। तो तीनों का आदिश त्रिगुणन 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, a+1 इक्वल टू 0। तो इसमें r1 - r2 कर लो एंड r2 - r3 कर लो। सो वी हैव सिंप्लीफाई कर लिया इसको थोड़ा सा, तो अब हमारे पास में क्या आ गया, 1 - 1 0, हेयर 0 1 - 1, इधर a + 1। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a+1 + a, सो -+1, सो दिस विल बी +a, सो 0। सो a की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, a = -1/3, सो a = -1/3। सो व्हाट इज द वेक्टर p, वेक्टर p इज इक्वल टू हेयर 2/3 आई कैप एंड -1/3 जे कैप एंड -1/3 के कैप, एंड वेक्टर क्यू विल बी इक्वल टू -1/3 आई कैप एंड +2/3 जे कैप एंड -1/3 के कैप। ये हमारे पास में क्यू वेक्टर आ गया, तो सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द आर वेक्टर विल बी हियर, आर वेक्टर हमारे पास में क्या आ गया, -1/3 आई कैप एंड -1/3 जे कैप एंड +2/3 के कैप। नाउ p⃗⃗⃗ तो दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो हमारे पास में क्या आ रहा है यहाँ पे, -2/3 - -2/9 - इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो फिर -2/9, सो अगेन +1/9, सो 1/9, तो ये आपके पास में क्या आ गया, -1/3 आ गया, सो -1/3। तो स्क्वेयर फिर इसके स्क्वेयर की बात करता है वो 3p⃗⃗⃗ ऐसे होल स्क्वेयर, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/3, सो 1/9 - 1/3, इसकी वैल्यू हमने निकाल के रख ली इस पार्ट की। अब आर वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर की बात करता है, तो आर वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर यहाँ निकाल लेते हैं अपने, ये आर वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, तो आर वेक्टर क्या है हमारे पास में, -1/3 एंड -1/3 एंड 2/3 सो तो सिंपल आई जे कैप एंड कोफिशियंट ऑफ आर वेक्टर -1/3 - -1/3 2/3 एंड वेक्टर क्यू
माइनस वन अपॉन थ्री एंड टू अपॉन थ्री एंड माइनस वन अपॉन थ्री. सो क्रॉस प्रोडक्ट इनका निकालें तो अपने पास में देखो माइनस वन अपॉन थ्री तो वन अपॉन नाइन. सो वन अपॉन नाइन माइनस फोर अपॉन नाइन सो माइनस वन अपॉन थ्री. सो माइनस वन अपॉन थ्री सो माइनस वन अपॉन नाइन माइनस फोर अपॉन नाइन सो माइनस थ्री सो माइनस वन अपॉन थ्री आई कैप. सो दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट, इनका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है. ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास में आर वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर भी है. क्यू वेक्टर इज माइनस वन अपॉन थ्री एंड टू अपॉन थ्री एंड माइनस वन अपॉन थ्री. ये तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट वन अपॉन नाइन माइनस सो दिस विल बी माइनस वन अपॉन थ्री आई कैप. सो जे का कोफिशिएंट देखें तो अपने वन अपॉन नाइन एंड वन अपॉन नाइन सो दिस इज क्यू वेक्टर माइनस माइनस में आ रहा है साथ में यहाँ पे माइनस. ठीक है, सो तो जे वन अपॉन नाइन प्लस टू पॉइंट नाइन सो टू पॉइंट नाइन सो दिस इज प्लस का वन अपॉन थ्री जे कैप. सो के कैप के इंटू में तो माइनस टू अपॉन थ्री सो माइनस टू पॉइंट नाइन एंड माइनस वन अपॉन नाइन सो माइनस का वन अपॉन थ्री के कैप. इसके मॉडुलस की बात करिए. अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है मॉडुलस. सो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर सो दिस भी है मॉडुलस ऑफ दिस स्क्वायर. सो दिस विल बी वन बाय नाइन प्लस वन बाय नाइन प्लस वन बाय नाइन. क्लियर है. सो दिस इज वन अपॉन थ्री. सो पुटिंग दिस वैल्यू इट्स वैल्यू दिस वन एंड दिस वन हियर. सो वी हैव दिस वन अपॉन थ्री वन अपॉन थ्री हियर एंड माइनस लेमडा अपॉन थ्री इज इक्वल टू जीरो. सो वैल्यू ऑफ लेमडा इज वन. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वन. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वन. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेपर. ओके, थैंक यू.